हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पर आपसे अपनी सबसे पहले सुबह सुबह उठकर जो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ वहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बसी सोसाइटी में कुछ इस तरह से प्लांट लगा हुआ है, जो अंगूर की बेल होती है वो शायद ये वही वाली है जिसमें ना ही तो अंगूर मीठे होते हैं और ना ही तो अच्छे होते हैं आई थिंक, क्योंकि ये ऐसे ही उग गए होंगे अपने आप ही। इस तरह से जो बाउंड्री वॉल होती है वहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत सारे ही हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, तो ऐसा लगता है। बट ये बिल्कुल स्लोली बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये ऐसे ही अपने आप लग गए थे। तो बस मैंने सोचा ऐसे ही अपना वीडियो बनाऊँ, शेयर करूँ। नाइट में मैंने चिया सीड्स को सोक करके रखा था फ्रिज में दूध के साथ, क्योंकि सुबह मुझे लेना था कॉर्नफ्लेक्स ओट मील के साथ। तो मैं अपना ये सोक्ड किया हुआ चिया सीड्स भी इसमें ऐड करूँगी। और जब कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज के बाद हम मील लेते हैं तो वो ऑयली, फैटी या हैवी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस टाइप की मील्स को रेडी करके रखती हूँ। और बस अपना ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पर जितने भी सीजनल फ्रूट हैं वो मैंने थोड़े थोड़े करके कट कर लिए थे, ऐड कर लिए थे इसके साथ। और अगर आपको वैसे नहीं खाना पसंद है तो फ्रूट्स के साथ तो आप खा ही सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बोल कुछ ज़्यादा ही फुल हो गया था फ्रूट की वजह से, अब बस इसको करूँगी मैं इंजॉय और फिर करूँगी यहाँ पर रिलैक्स होने के बाद अपने टिफ़िन की तैयारी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज अंडा भुर्जी और थोड़े से प्याज और कैप्सिकम डालकर टमाटो डाल के एग डाल के इसको बनाऊंगी। काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और ब्रेकफास्ट में भी कभी कभी सुबह ये संडे या सैटरडे छुट्टी के दिन बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बस ये बन के रेडी हो जाएगा, ये काफ़ी जल्दी भी बन जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सुबह टाइम नहीं है तब के लिए भी ये रेसिपी अच्छी रहती है, काफ़ी जल्दी बन जाती है। बेटे की टिफ़िन में भी कई बार ऐसे रखती हूँ और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बन के रेडी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने लेफ़्ट ओवर जो रोटी थी उनका नमकीन हलवा बनाया था, मतलब थोड़ा मीठा और थोड़े से स्पाइसेस डाल के, ऐसे भी अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये लेटर ऑन बच जाएगा तो फिर मैं बाद में भी खा सकती हूँ, कम से कम 10-11 बजे। और अभी मैं फ़िलहाल हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ। और कभी इस तरह का बनता है, बहुत ही कम बनता है ये, तो जब भी बनता है तो उसको काफ़ी टेस्टी लगता है, पूरा घी में बनता है। इसमें मैंने प्याज सरसों का सीड्स डाल के बनाया था। और यहाँ पर मैं जब काम से फ्री हो गई थी तो आज मेरा मन था कि मैं अपने हेयर को डाई करूँ। तो हेयर डाई मीन्स ग्रे हेयर्स के लिए हम कोई ज़्यादा केमिकल डेली तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ओकेजनली मैं कोई कलर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ घर पे ही हैं तो हम ग्रे हेयर्स के लिए काफ़ी दिन तो ऐसे ही चल जाता है। बट जब ज़्यादा ही दिखने लगते हैं तो फिर मैंने इंडिको पाउडर रखा है अभी, क्योंकि सर्दियाँ भी नहीं है गर्मी है, तो इसको लगा के 40-45 मिनट्स रखना पड़ता है। इसको सिर्फ लिक्विड वाटर में पानी डाल के इसको घोल लिया था और फिर सादे पानी से इसको धो लिया है। हम हेयर वॉश इस शैम्पू से दूसरे दिन करते हैं, इसमें इंडिको पाउडर बिना किसी मेहंदी के कलर का रहता है, मतलब ये लाल लाल नहीं चढ़ता है, आपके बालों को ब्लैक ही कलर करेगा। और ये मैंने आफ्टर शैम्पू, ये वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे शाइनी हेयर हो गए थे, सिल्की सॉफ्ट और ब्लैक। तो ये टेम्परेरी रहते हैं जिस तरह से मेहंदी में रहते हैं, लेकिन मेहंदी में काफ़ी देर तक रंग चढ़ता है, इसका बहुत जल्दी निकल जाता है। पर ये क्योंकि नेचुरल ब्लैक लुक देता है इसके लिए काफ़ी अच्छा है, और घर में रहने वाली लेडीज़ की तो अच्छा ही है क्योंकि टाइम रहता है निकल जाता है। यहाँ पर मैं अपने लंच की तैयारी करी, जिसके लिए मैंने टिंडे आज बनाने की सोची हूँ अपने लिए, क्योंकि दिन में तो कोई रहता नहीं, सिर्फ मैं ही इस तरह की सब्ज़ी ट्राई करती हूँ। टिंडे को अच्छी तरह से धो के काट लिया था, ये छोटे साइज़ के टिंडे लिए थे मैंने, 200 ग्राम के करीब होंगे। इसको सरसों के ऑयल में पहले मैंने कट करके सिर्फ फ्राई करके निकाल लिए हैं, इससे थोड़े और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सरसों की सीड लेके, ज़ीरा लेके, प्याज लेके इसको थोड़ा सा बघारूँगी। पहले इसको निकाल लेंगे टिंडों को फ्राई करके,
इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। तो ये रेसिपी भी मैंने यूट्यूब से देखी थी, तो मुझे लगा मैं इसको बना के देखती हूँ। वैसे तो कभी बनते ही नहीं है, लेकिन मैं हर टाइप की सब्ज़ी खा लेती हूँ, मुझे सारी सब्ज़ियाँ खाना पसंद है। तो अकेले मैं दिन में रहती हूँ, तो कभी अपने बेटे को भी ट्राई करवाती हूँ ताकि वो भी खाना सीखे। और बस इस तरह से मैंने दही और कुछ स्पाइसेस के साथ इसको मैरिनेट कर लिया था। जब तक यहाँ पे मसाले भूंजेंगे थोड़ी देर के लिए, वो भी मैरिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे प्याज जब थोड़ी ब्राउन हो गई तो मैंने डाल दिया है टमाटर प्यूरी। एक टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसी में लहसुन अदरक भी डाल लेंगे या फिर अलग से भी डाल सकते हैं। और इसमें भी थोड़े मसाले डाल के अब ये जो मैरिनेट करके रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको ज़्यादा देर थोड़ा ढक के पकाना होता है क्योंकि ये थोड़े से टाइट होते हैं, और इसलिए आपको थोड़े सॉफ्टनेस के लिए लेने चाहिए सॉफ्ट छोटे छोटे साइज़ के टिंडे। और बस यहाँ पर ढक के थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया था, फिर भी इसमें थोड़ी कसर थी तो मैं थोड़ी देर और इसको पानी डाल के थोड़ा सा रखूँगी, फिर ये रेडी हो जाएगा। और बस इसी तरह से मेरे दिन का समय निकल जाता है, और सारा खाना कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करके फिर इस खाने को एंजॉय करूँगी। और उसके बाद 2 बज जाता है, फिर मुझे अपने बेटे को लेने जाना होता है, और इसी तरह से मेरा दिन निकल जाता है। काफ़ी तेज़ धूप है आज, और नाइट में मैंने डिनर में ये चिकन के कबाब बनाए थे, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।